नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों में दुनिया को आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के खतरे से उबारने की शक्ति। उन्होंने दक्षिण कोरिया के योनसेई विश्वविद्यालय में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने सोल में भारत कोरिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन करते हुए कहा, भारत अवसरों की भूमि के रूप में उभरा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक इमारत में भीषण आग लगने से 78 लोगों की मौत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू में आकाशवाणी के एफएम केंद्र का उद्घाटन किया। और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ की विश्व कप प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने आज दो बड़ी चुनौतियां हैं। दक्षिण कोरिया के सोल में आज योनसेई विश्वविद्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और सिद्धांतों में इन समस्याओं का निदान मौजूद है। आज मानव जात पूरे विश्व में दो गंभीर संकटों से जूझ रही है। एक संकट है आतंकवाद का और दूसरा संकट है क्लाइमेट चेंज का। अगर महात्मा गांधी के जीवन को देखें तो इन दोनों समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी के जीवन में, उनके आदर्शों में और उनके उपदेश में हम रास्ता खोज सकते हैं। इस अवसर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कोरिया के अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम की 100वीं जयंती के साथ मनाई जाएगी। योनसेई विश्वविद्यालय इस स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने इस अवसर पर अपने संबोधन में विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों के समर्थन में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से अवसरों वाले देश के रूप में उभरा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में आज भारत कोरिया व्यापार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सुविधाजनक व्यापार अवसर वाले देशों की सूची में भारत ने 65 स्थानों का सुधार करके 77वां स्थान हासिल किया है। वी आर वेल सेट टू बिकम अ $5 trillion इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। नो अदर लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट ओवर 7% ईयर आफ्टर ईयर। हार्ड पॉलिसी डिसीजंस सच एज द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैव बीन टेकन। इन द लास्ट 4 years वी हैव जम्प 65 प्लेसेज इन द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग टू 77। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इन दिनों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है और देश के 90% क्षेत्रों में निवेश को तेजी से अनुमति दी जाती है। पिछले चार वर्षों के दौरान देश में $250 अरब से अधिक का विदेशी निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दक्षिण कोरिया को अपने सच्चे आर्थिक सहयोगी के रूप में देखता है। इंडिया इज एमंग टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स ऑफ कोरिया एंड इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर कोरियन गुड्स। अवर ट्रेड वॉल्यूम हैज रीच $21.5 billion फॉर द कैलेंडर ईयर 2018। द नेगोशिएशन टू अपग्रेड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैव बीन फास्ट ट्रैक टू अचीव द बायलेटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $50 billion बाय 2030। प्रधानमंत्री ने कहा कि 600 से ज्यादा कोरियाई कंपनियों ने भारत में $6 अरब का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत में परिवहन, ऊर्जा, बंदरगाह और शहरी ढांचागत क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, जिसका कोरियाई उद्यमियों को लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। इन दिस रिगार्ड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम्स स्टार्टअप इंडिया विथ $1.4 billion फंड फॉर 4 years टू क्रिएट अ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट मून, साउथ कोरिया हैज ऑल्सो
unveiled a program to spend $9.4 billion by 2020 in a bid to increase capital supply for startups and venture friendly environment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज भारत कोरिया स्टार्टअप हब का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्री यून मो सुंग ने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने में मदद मिलेगी। उच्चतम न्यायालय राफाल मामले में अपने फैसलों की समीक्षा की मांग से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। न्यायालय ने इससे जुड़ी जनहित याचिकाओं को पिछले साल 14 दिसंबर को खारिज कर दिया था। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण की याचिका भी शामिल थी। न्यायालय ने कहा था कि फ्रांस से 36 राफाल लड़ाकू विमान की खरीद में केंद्र सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पाँच साल सात बार ये आज गोपी को क्या हो गया है? जब से आए हैं बस 5 साल 7 बार कह रहा है। गोपी के स्कूल में आज टीकाकरण के विषय में बताया है। अच्छा है, गोपी के जन्म के वक्त हमें इसकी जानकारी थी, वरना ये भी इसके बड़े भाई बंसी की तरह। अब जो हुआ उसे जाने दो। तुम गांव की महिलाओं के स्व सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तो ये ध्यान रखना कि बाकी माएं अपने बच्चों का टीकाकरण 5 साल में 7 बार और सूची अनुसार अवश्य करवाएं, वरना खसरा, गलघोटू, निमोनिया और रुबेला जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, फिर सारा जीवन अस्पताल के चक्करों में कट सकता है। खर्चे अलग। बिल्कुल सही, जो गलती हमसे हुई वो किसी और से नहीं होने देंगे। गांव के सभी बच्चे स्वस्थ रहें, बस यही लक्ष्य है हमारा। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। अधिक जानकारी के लिए आशा बहन या ANM से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की एक और लाभार्थी, तेलंगाना की डी भानुप्रिया की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरे पति को इको फ्रेंडली पेपर पेंसिल बनाने का आइडिया आया। इसे एक बिजनेस का रूप देने के लिए हमें लोन की जरूरत थी। हमने मुद्रा लोन लिया। मुद्रा लोन का फायदा यह है कि ये बिल्कुल ही आसानी से मिल जाता है और इसका ब्याज दर भी बहुत ही कम होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जरूरत जैसा लोन, उम्मीदों जैसी तरक्की। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रहे हर कोई, हर रोज, हमेशा। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर बाद चेन्नई पहुंचेंगे। एक दिन के दौरे में राष्ट्रपति चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये आयोजन सभा के शताब्दी वर्ष समारोह का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि दृश्य माध्यमों की अधिकता और उनसे आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव की वजह से लोग अब श्रव्य माध्यमों की ओर लौट रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फिर से लोकप्रिय हो रही है। आज आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू में आकाशवाणी के FM केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी लोगों को साफ सुथरा मनोरंजन देने के अलावा बेहतर समाचार और घटनाओं की सटीक समीक्षा भी उपलब्ध कराता है। I feel happy and proud to dedicate this state of the art installation to the people of Andhra Pradesh in general and those of Nellore in particular. I am happy that radio, which has become a most popular communication system in the country, and that too in the recent past after the Prime Minister started
addressing the people and sharing Mann Ki Baat through All India Radio. I hope that the people will utilize this facility which is created for Nellore people and they will take advantage of the same and thereby encourage the local talent, the local traditions and preserve our heritage and culture. गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मियों को हवाई यात्रा के अधिकार की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मियों को दिल्ली श्रीनगर, श्रीनगर दिल्ली, जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर जम्मू सेक्टरों में भी हवाई यात्रा के अधिकार की स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई दर्जे के लगभग 7,80,000 कर्मियों को तुरंत फायदा होगा जो अभी तक इस सुविधा के पात्र नहीं थे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश के रक्षा क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का आह्वान किया है। आज गोवा में वास्को में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए तैयार की गई नौका जीएसएल यार्ड 1233 के जलावतरण के अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनना होगा। कांग्रेस ने आज कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसने हमेशा सेना और सरकार का समर्थन किया है। नई दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमला देश की अखंडता पर हमला है और कांग्रेस पार्टी सुरक्षा बलों के साथ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और वर्षा से किन्नौर जिले के नामगया डोगरी नुल्लाह में बर्फ में फंसे सेना के पांच जवानों की खोज के काम में बाधा आई है। ये जवान सेना इकाई के साथ जेएके राइफल्स के हैं। इस क्षेत्र में कल पानी आपूर्ति की लाइन की मरम्मत के दौरान सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान हिमस्खलन का शिकार हो गए थे। एक जवान का शव मिल गया था जबकि पांच जवान अब भी लापता हैं। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने आज बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन भी उड़ान में उनके साथ थे। इस अवसर पर श्री रावत ने कहा कि ऐसे विमानों के शामिल होने से सशस्त्र सेनाओं की ताकत बढ़ती है। तीनों सशस्त्र सेनाएं जो हैं नेवी आर्मी एयरफोर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जिस तरह से भी हम हवाई शक्ति अगर एयरफोर्स की बढ़ाते हैं तो थल सेना की भी शक्ति बढ़ती है क्योंकि हम सब एकजुट होकर काम करते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के जहाज अगर उनकी इन्वेंटरी में शामिल होते रहे तो सशस्त्र सेनाओं की जो शक्ति है वो बढ़ती रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। नमस्ते, मेरा गांव अब आत्मनिर्भर हो रहा है। पूछो कैसे। जो युवक युवतियां दूसरों के यहाँ काम करते हुए अपने खुद के कारोबार का ख्वाब देखा करते थे अब वे प्रशिक्षण हासिल कर अपना सपना पूरा करते हुए दूसरों को रोजगार दे रहे हैं और ये सब मुमकिन हुआ है भारत सरकार की आरसेटी योजना के कारण, जिसके तहत 586 कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कौशल पंजी ऐप में अब तक 13,20,000 ग्रामीण युवा अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। आज मेरे देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वरोजगार पर आगे बढ़ रहा है। आप भी कौशल पंजी ऐप द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में रजिस्टर कर प्रशिक्षण पाएं और अपना कारोबार शुरू करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। लो, हो गई शॉपिंग, तुम लोग आगे चलो, मैं टॉयलेट जाके आती हूँ। छी छी, ये टॉयलेट कितना गंदा है, लोगों को मैनर्स नहीं है क्या? टॉयलेट में भी मैनर्स? जी हाँ, पब्लिक टॉयलेट जब यूज करें तो मैनर्स तो अपनाने ही पड़ेंगे। तो ध्यान रहे, जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज करें उसे अच्छी तरह से फ्लश करें, टॉयलेट सीट्स को यूज करने के बाद साफ रखें और टॉयलेट की दीवारों पर ना थूकें, क्योंकि जब टॉयलेट होगा स्वच्छ तो देश रहेगा स्वस्थ। तो आए आप और हम मिलकर देश को स्वच्छ बनाएं। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के चौक बाजार इलाके में भीषण आग की घटना में मृतकों की संख्या 78 हो गई है। इस घटना में 50 लोग घायल भी हुए हैं। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ की विश्व कप प्रतियोगिता का उद्घाटन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में मुख्य मुकाबले 23 से 27 फरवरी तक चलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों में दुनिया को आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के खतरे से उबरने की शक्ति है। प्रधानमंत्री ने सोल में भारत कोरिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अवसरों की भूमि के रूप में उभरा है। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू में आकाशवाणी के एफएम केंद्र का उद्घाटन किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।